स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को दिल्ली में मध्यम बारिश होने की संभावना थी। वहीं यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में भी मॉनसून सबाब पर है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 14 से 16 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 और 16 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 17 से 19 अगस्त तक बारिश फिर हल्की रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले सप्ताह भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 140 से अधिक सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने रविवार तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और गुरुवार तक सिरमौर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बाढ़ की चेतावनी भी दी है। राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार शाम से रुक रुक कर बारिश जारी है और धर्मशाला में 40.2 mm बारिश दर्ज की गई। इसके बाद कांगड़ा में 35.9 mm, नारकंडा में 23.5 mm, ब्राह्मणी में 19.2 mm, सुजानपुर टीरा में 16 mm, भरारी में 15.2 mm, पालमपुर में 14.4 mm और रामपुर में 11.2 mm बारिश दर्ज की गई। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में बुधवार को सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी हिस्से के अनेकों स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस दौरान सर्वाधिक 9 सेंटीमीटर बारिश अलवर के मंडावर और अजमेर के भिनाए में दर्ज की गई। वहीं दौसा के लालसोट में 6 सेंटीमीटर, झुंझुनू के उदयपुर वाटी में 6 सेंटीमीटर, टोंक के निवई में 5 सेंटीमीटर, जयपुर के पावटा और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ में, जैसलमेर के पोखरण, पाली के रायपुर, जोधपुर के सेरगढ़ में 5-5 सेंटीमीटर और अन्य कई स्थानों पर 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। केंद्र ने बुधवार को जयपुर, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले में बहुत भारी और अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और पाली जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि दक्षिण बंगाल में चक्रवाती परिसंचरण और मानसून ट्रफ के कारण क्षेत्र में 17 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा कि दार्जिलिंग तथा कूच बिहार को छोड़कर उत्तर बंगाल के ज़्यादातर जिलों में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली, बांकुड़ा, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम कार्यालय ने बताया कि कोलकाता, हावड़ा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, झारग्राम और पुरुलिया जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।